अब कार्यक्रम समापन की ओर है और हमारे लास्ट वक्ता डॉक्टर गोमतेश्वर पाल सर हैं, जो राजकीय महाविद्यालय DLW वाराणसी से हैं। सर का जो अध्यापन अनुभव है लगभग 15 सालों का है। सर राजकीय महाविद्यालय DLW में कार्य करने से पहले गाजीपुर और नोएडा राजकीय महाविद्यालयों में कार्य कर चुके हैं। सर के 15 नेशनल तथा इंटरनेशनल पेपर्स प्रकाशित हो चुके हैं। सर लगभग 30 अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय सेमिनार में सहभागिता और पेपर प्रेजेंटेशन कर चुके हैं। सर की छवि एक बेबाक और स्पष्टवादी की है। सर अत्यंत ही सहयोगी स्वभाव के हैं, तो सर को हम आमंत्रित करते हैं अपने विचारों से हम सभी को अवगत कराने के लिए। हेलो वेलकम वेलकम डॉक्टर पाल हेलो। सर। आज आज शिक्षक दिवस जैसे पवित्र दिन के दिन लालता सिंह राजकीय महाविद्यालय अदलहाट मिर्जापुर में इस राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए मैं समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर मनोज जितेंद्र एवं अखिलेश जी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ एवं महाविद्यालय की अदलहाट राजकीय महाविद्यालय की प्रेरणा स्रोत और दूरदर्शी सोच रखने वाली प्राचार्या डॉक्टर सुधा पांडे जी को हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपकी सहृदयता, सकारात्मक सोच मुझे स्वयं में बहुत ही आकर्षित करता है कि मैं भी जो है इसी तरह से सोच रखूं और इसी तरह से समझ रखूं। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अपर्णा मिश्रा जी का, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर सत्या सिंह जी का और मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अमरनाथ पासवान जी का जो सुझाव था बहुत ही दमदार था। इसके अलावा महेंद्र आर मिश्रा जी का भी बहुत मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा मैं दोबारा जो है पूरे राजकीय महाविद्यालय अदलहाट के शिक्षक एवं विशाल जी का को भी धन्यवाद देता हूँ। और जो सबसे अच्छा लगा कि प्राचार्या मैडम ने बताया कि 418 लोगों का जिसमें सर्वे किया गया, मोस्टली जो है छात्राएं एवं अध्यापक थे, जिसमें से अपनी मातृभाषा को और संस्कृत को व्यावसायिक शिक्षा को ग्रहण करने वालों की संख्या मुझे जो बताया गया वो मतलब कि उनकी संख्या जो है बहुत ही अच्छी रही। ये तो बहुत ही अच्छी सोच है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और इसके अलावा अब मुख्य विषय पे, मुख्य मूल बिंदु पे आते हैं कि आप लोग चर्चा भी किया गया कि सन 1968 में शिक्षा में बदलाव किया गया, 1986 में भी बदलाव किया गया, 1992 में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब 2020 में करीब 34 वर्षों के बाद नई शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति लाई गई है। इसरो के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में में गठित किया गया था और अब तक पूरे भारत में यह पहली ऐसी कमेटी है जो गांव से लेकर के, पंचायत से लेकर के, कस्बा, जिला मुख्यालय, बड़े बड़े महानगर, नगरों से तमाम तरह के लोगों के सुझावों को माना, सुझाव मांगे और उन सुझावों पर विचार किया और उसके अनुरूप उसका मसौदा जो बोलते हैं उसको बनाया। अब जो है अब सबसे पहला तो प्रश्न यह है कि इस नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जो भारत को आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप लोग जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कि 7 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति के विषय पर देश को संबोधित किया और उन्होंने जो मुख्य चर्चा किया कि भारत को ऐसा बनाना है, एक ऐसी शिक्षा नीति हो
जो लोगों को ग्लोबल सिटीजन बनाए, ग्लोबल सिटीजन बनाए और साथ साथ अपनी सभ्यता से उसको लगाव भी रखे। मतलब आप सिटीजन बने, ग्लोबल विश्व लेवल के बने, लेकिन अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ भी लगाव रखे कि हम जो है भारतीय संस्कृति के हैं, हमारी सभ्यता ये है, उसको भी दिमाग में रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो छात्र पढ़े वो अपने पैशन से जो है लगाव रखें कि मतलब कोई भी काम जो है चाहे जो भी हो, एक उनके अंदर जो है लगाव की भावना आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि छात्र अपने इंटरेस्ट के आधार पर, अपनी एबिलिटी मतलब योग्यता के आधार पर, डिमांड के आधार पर मैपिंग करनी चाहिए कि किस क्षेत्र में जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने जो कहते हैं जो अक्सर कहा जाता है कि रट्टा मार पढ़ाई, तो अब जो है वो रट्टा मार पढ़ाई की जगह जो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने की आवश्यकता है, उसको जो है अपने अंदर लाने की आवश्यकता है। क्रिटिकल का मतलब यह है कि कोई भी चीज हो उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का जब हम विश्लेषण कर देते हैं और उसके अनुरूप अपनाते हैं तो उसको जो है क्रिटिकल डेवलप कहते हैं। तो जो चीज क्रिटिकल हो करके आती है वो हमारे समझ से ज्यादा सही ढंग से वो आती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब तक की जो भी शिक्षा व्यवस्था थी वो व्हाट यू थिंक पे थी, लेकिन अब जो है हाउ टू थिंक पे होगी, मतलब कि कैसी होगी, यह अब की जो 2020 शिक्षा जो है व्हाट यू थिंक की जगह हाउ टू थिंक होगा, मतलब कि क्या सोचते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने क्षेत्रीय भाषाओं के विकास पे भी बहुत ज्यादा जोर दिया। अब जो है जो नई शिक्षा नीति है उसमें 12th तक की जो पढ़ाई होगी उसके लिए एज निर्धारित किया गया है, 5+3+3+4। अब जो है जो 5 है उसमें यह मान लिया गया है कि जो 5 5 साल शुरू वाले 5 है उसमें यह मान लिया गया कि बच्चे को 3 साल स्कूल में बिताना पड़ेगा। 3 साल जब बिता लेगा तो जब उस 3 साल बिताने के बाद चौथा साल पांचवा साल 1 और 2 में जाएगा, मतलब अगर उसकी एज 3 साल है, अगर उसको स्कूल में उसका एडमिशन दिलवाया जाता है तो कक्षा 2 वो 5 साल में पास करेगा। अब जो है कि बच्चों के अंदर जैसे 3 साल शुरू में न कोई बच्चा स्कूल आएगा, खेलेगा कूदेगा, टिफिन खाएगा और तमाम प्रकार के वर्क करेगा, जैसे कुछ सीखेगा, जैसे शुरू में प्राइमरी स्कूलों में जो है बच्चे करते हैं। इसके अलावा 1 और 2 जब क्लास वो पढ़ लेगा तो उसका कोई भी परीक्षा नहीं होगी। इसके बाद इसको फाउंडेशन कहा गया है। फिर दूसरा जो है प्रिपरेटरी होगा, यह जो है 5+ जो 3 है इसमें जब फिर परीक्षाएं जो है जब जब 3 क्लास में जाएगा तब वो जो है तो हल्का फुल्का मतलब कि एग्जाम करने की मतलब कि उसकी जरूरत है। पांचवी के बाद जब 6 7 8 जब जाएगा तो इसके बाद जो है उसमें जो है उसको क्षेत्रीय भाषाएं सिखाई जाएंगी, उस कंप्यूटर का ज्ञान सिखाया जाएगा, डिजिटल इक्विपमेंट दिए जाएंगे, कोडिंग सिखाई जाएगी, क्षेत्रीय भाषा जो ई कंटेंट होंगे उसका क्षेत्रीय भाषा में ट्रांसलेशन किया जाएगा, वर्चुअल लैब जो है डेवलप की जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा की तरफ लोगों का झुकाव सिखाया जाएगा, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा भी प्रदान की जाएगी। तो कहने का मतलब 8वीं तक ये होगा। इसके बाद जो है 8वीं के बाद जो हम लोग 10+2 बोलते थे वो इसमें स्ट्रीम में बदलाव किया गया है कि अगर साइंस का है तो साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स का है तो आर्ट्स पढ़ेगा। अब 8वीं के बाद इतना ज्यादा लोगों का झुकाव हो जाएगा कि कोई भी विषय कोई भी छात्र पढ़ सकता है जिसमें वो अच्छा कर सके, तो
और जिसमें वो अच्छा करेगा तो स्ट्रीम में बदलाव किया गया है और वो कोई भी चीज जो है उसको जो है मतलब कि पढ़ सकता है एकेडमिक लेवल पे, ताकि जो है उसको हायर एजुकेशन में दिक्कत जो है नहीं हो। अब प्रश्न उठता है कि ये जो नई शिक्षा नीति है इसके लाभ क्या होंगे। तो इसके लाभ जो है, पहला तो ये है कि सरकार जो है नई एजुकेशन पॉलिसी पर पूरे जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च करेगी और 2030 और 35 तक जो है ग्रास इनरोलमेंट रेशियो जो है, जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो कैसे जो है उनका जो इनरोलमेंट रेशियो है वो कम ना हो। इसके अलावा अब जो इस संस्कृत भाषा सीखेगा, अन्य भाषाओं का भी विकल्प रखा गया है जो भी वो पढ़ सकता है, बोर्ड की परीक्षाओं में भी जो है बदलाव किया गया है, हो सकता है कि साल में 2 बार परीक्षा हो, शायद यही प्रस्ताव है, यही जो है होगा भी। इसके इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को भी बढ़ावा दिया गया है, 3 भाषाएं सिखाई जाएंगी और नई शिक्षा नीति को इस तरह से बनाया जाएगा कि लोगों को एक कौशल विकास पे भी अधिक से अधिक जोर दिया जाए। इसके अलावा इस नई शिक्षा नीति से एक ऐसे भारत की कल्पना की गई है जिसमें पूरे विश्व में सबसे अधिक संख्या इस समय भारत के युवाओं की है। अगर सभी के हाथ में व्यवसायिक, हुनरमंद, कौशल विकास, तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, अगर सभी युवा उससे दक्ष हो जाएंगे तो आने वाला दिन, यह आशा करता हूं कि आने वाला दिन भारत का होगा और नई एजुकेशन पॉलिसी से यह सकारात्मक बदलाव आएगा समाज में और अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है यह आशा करता हूं कि वह मिटेगी और सभी सभी लोगों को जो है जो जिस योग्यता से रहेगा उस योग्यता के हिसाब से उनको रोजगार मिलेगा, उनको कौशल मिलेगा, उनको दक्षता रहेगी। इन्हीं सब सकारात्मक ऊर्जाओं से प्रेरित होकर के इस नई पॉलिसी का, 2020 का हम लोगों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी पॉलिसी आती है तो शुरू में, जहां तक मेरा मानना है, कि उसके प्रति हमेशा सकारात्मक सोच रख करके ही आगे बढ़ना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार समाप्त करता हूँ और पुनः जो है महाविद्यालय की प्राचार्या डॉक्टर सुधा पांडे मैडम को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि मुझे जो है वहाँ पे बोलने का आपने मौका दिया। इसके अलावा समाजशास्त्र विभाग के डॉक्टर मनोज, डॉक्टर जितेंद्र एवं डॉक्टर अखिलेश कुमार जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके अलावा महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों, कर्मचारियों और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गोमतेश्वर पाल सर फॉर ज्वाइनिंग इन आवर वेबिनार। आई ऑल्सो एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट थैंक्स फॉर योर शेयरिंग डीप इंफॉर्मेशन एंड ए नॉलेज अबाउट एनएपी। आई अप्रिसिएट दैट यू हैव गिवेन वेरिएबल टाइम फॉर दिस वेबिनार। आई वुड ऑल्सो टू मेंशन दैट यू हैव हाईलाइटेड very pertinent and important issue about NEP. Once again, I feel highly grateful that you joined our webinar. अब मैं अपने विभाग के सहयोगी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जो इस वेबिनार के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सर को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और पूरे सभी अतिथियों का, प्रतिभागियों का, विद्वत्जनों का और महाविद्यालय परिवार के सभी सम्मानित अध्यापकगण सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आज लालता सिंह राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय वेबिनार में ऑनलाइन जुड़े आदरणीय डायरेक्टर उच्च शिक्षा पैटर्न डॉक्टर वंदना शर्मा मैम, आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर सुधा पांडे मैम, आदरणीय
मुख्य अतिथि डॉक्टर अपर्णा मिश्रा मैम, आदरणीय विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सत्या सिंह मैम, आदरणीय मुख्य वक्ता डॉक्टर अमरनाथ पासवान सर, और डॉक्टर महेंद्र मिश्रा सर, और गोमतेश्वर पाल सर, और महाविद्यालय परिवार के सभी प्राध्यापक गण, जो ऑनलाइन जुड़े सभी सम्मानित शिक्षक प्रतिभागीगण, छात्र छात्राओं को हार्दिक आभार एवं शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चर्चा कर रहे हैं। यह एक सुखद अनुभव है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जिससे सभी जुड़े हैं। प्रत्येक पीढ़ी भावी पीढ़ी को अपने से अधिक सुरक्षित और संपन्न भविष्य प्रदान करने के लिए हर प्रकार का उद्यम करती है। शिक्षा से हर वर्ग को अपेक्षाएं होती हैं। हर वर्ग को अच्छे स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली और कौशल सिखाने वाली शिक्षा चाहिए। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जो जीविकोपार्जन के लिए दर दर भटकाए नहीं, बल्कि व्यक्ति में आत्मविश्वास भर दे। इसी के साथ मैं धन्यवाद ज्ञापन की तरफ, मैं सर्वप्रथम एक दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार की पैटर्न डायरेक्टर उच्च शिक्षा डॉक्टर वंदना शर्मा मैम, जिनके कुशल निर्देशन में राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित हुआ, उनको आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिनके कुशल निर्देशन में हम लोग हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम इस तरीके का, शिक्षा नीति हो चाहे IQAC हो चाहे रूसा का हो, चाहे विविध तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित करते रहते हैं, और जिसका पूरा श्रेय हमारे डायरेक्टर मैम को ही जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे महाविद्यालय की प्राचार्या मैम, जो कि हमारे महाविद्यालय की संरक्षक हैं, मुखिया हैं, डॉक्टर सुधा पांडे मैम, जिनकी प्रेरणा दिशा निर्देशन नेतृत्व में यह वेबिनार आयोजित हुआ है। आपके आशीर्वाद, आपने अपने विचार में कहा कि नई शिक्षा नीति बहुत ही सार्थक प्रयास है जिससे वंचित वर्ग, अमीर और गरीब के बीच का अंतर समाप्त होगा और इससे सद्भाव, समानता, एकरूपता आएगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिससे हमारा देश विकास के पथ पर अग्रसर होगा। मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मैम आभार, आपने बहुत ही अच्छा विचार दिया और आपने किशोर और सुदामा का उदाहरण दिया। मुझे याद है कि रामायण अभी दिखाया जा रहा था कोरोना के समय में, तो हमने ये देखा कि रामायण में और जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी, तो मल्लाह जो था और रामचंद्र जी, और इन दोनों लोगों की शिक्षा एक साथ हुई थी। लेकिन लोग कहते हैं कि अमीर और गरीब की शिक्षा, तो जो हमारी पुरानी संस्कृति थी या सनातन संस्कृति थी, उसमें भी कहीं इस तरीके का भेदभाव नहीं दिखाया गया। अमीर और गरीब को साथ ही बैठ के ही लोग शिक्षा ग्रहण करते, तो इसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो कि आगे अतिथि मुख्य अतिथि मैम डॉक्टर अपर्णा मिश्रा मैम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सतत विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, जिससे कि शिक्षा मानवीय मूल्यों और कौशल के साथ हो। अभी तक टीचिंग और रिसर्च को अलग अलग रखा गया था, लेकिन अब नॉलेज और स्किल दोनों साथ साथ रखना है, और इसके साथ ही जो बच्चे ड्रॉप आउट करते थे, जैसे कि हमारे यहाँ कॉलेजेस में या प्री प्राइमरी स्कूल में या प्राइमरी स्कूल में हम देखते थे कि 100 एडमिशन है, लेकिन बच्चों की जो प्रेजेंट है वो 30 है, 35 है, 25 है, इस तरीके का था। तो ड्रॉप आउट करने वाले बच्चों का जो है उसको कहीं ना कहीं इस एजुकेशन पॉलिसी में हमने सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि बच्चे किसी भी तरीके से शिक्षा से वंचित न होने पाए, और मल्टीडिसिप्लिनरी इंट्री और मल्टीडिसिप्लिनरी एग्जिट का भी एक कॉन्सेप्ट आ गया है, जिससे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि किसी कारणवश कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ड्रॉप आउट करना पड़ता है 1 ईयर क्लास के बाद, तो बच्चों का फिर एडमिशन नहीं हो पाता है। ये बहुत ही अच्छा सार्थक प्रयास है और अच्छा सुधार भी है। आपने बड़ी अच्छी बात कही रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की, जिससे हम सभी लोग जूझ भी रहे हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि पहले हम लोग चाक से पढ़ाते थे, अभी मैं जब से मैं हायर एजुकेशन में आया हूँ, तब से ही मैं देख रहा हूँ कि चाक से पढ़ाते थे, मार्कर से पढ़ा रहे हैं, और अभी हम लोग प्रोजेक्टर से पढ़ाना शुरू कर दिया, सभी स्मार्ट क्लासेज आ गए। तो इसमें कहीं ना कहीं जो स्किल बेस्ड की बात करी गई है, तो इसमें रीस्किलिंग का जो प्रोसेस आया है, ये रीस्किलिंग एक तरीके से जैसे PPT है, PPT को हम लोग क्या किए, जो स्किल हम लोगों का एजुकेशन देना है, शिक्षा देना है, नॉलेज देना है उनको, बच्चों को, लेकिन रीस्किलिंग के माध्यम से हमने और चीज़ों पर फोकस कर लिया, PPT के माध्यम से या और अदर
जो भी कंट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं उनके माध्यम से बच्चों को रीस्किल करते हैं, फिर अप स्किल करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि बच्चों को की इंफॉर्मेशन तो उनको मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब जगह से मिल जाएगा, लेकिन जो अप स्किल स्किलिंग का कार्य होगा वो कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होगा, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग अच्छा और बेहतर प्रयास कर सकते हैं, और होगा भी आगे ऐसा। जहाँ तक नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात है, वो ऐसा होगा भी। और आपने व्यावसायिक शिक्षा की भी चर्चा की, और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित है भी और रहेगा भी, आगे भी रहेगा। और जिसके साथ वोकेशनल एजुकेशन की बात कर दी गई है, तो वोकेशनल शिक्षा और मातृभाषा की बात कर दी गई है कि एजुकेशन में हमने मातृशिक्षा का स्वरूप इसलिए रखा, और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं, ये बहुत पहले 1854 के उड डिस्पैच के दौरान ही मातृभाषा की बात कर दी गई थी। और उसके साथ साथ ही आपका हंटर आयोग था, चाहे आपका विश्वविद्यालय अधिनियम आयोग रहा हो, चाहे राधा कृष्ण आयोग रहा हो, चाहे आपका कोठारी आयोग रहा हो, सब में मातृभाषा को प्रिफ्रेंस दिया गया है। और इसके साथ साथ ही स्त्री शिक्षा को और वोकेशनल शिक्षा को, एजुकेशन को भी पूरी तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई है, लेकिन किसी कारणवश कुछ ना कुछ अधूरा रह जाता है। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी या न्यू कुछ नया करने के लिए हमको ये चीज़ें, जो चीज़ें छूट जाती है, फिर से इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमको नया सिस्टम बनाना पड़ता है। तो इसी के साथ साथ मिश्रा, अपर्णा मिश्रा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने मैम बहुत ही कीमती समय अपना हम लोगों को दिया, और आपके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित हुए, इसलिए आपको बहुत बहुत सादर धन्यवाद मैम, सादर आभार प्रकट करता हूँ। अगले विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर सत्या मैम हैं, जिसने कहा कि शिक्षा को तकनीकी से जोड़ने की बात की, और आपने टेक्नोलॉजी की है भी और कंप्यूटर साइंस से हैं चुकी, तो आपने टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से अपनी बातों को रखा। उन्होंने बताया कि टेक्निक के 4 स्तंभ हैं, और इन्होंने मल्टी डिसिप्लिनरी एंट्री और एग्जिट की भी बात की, और कहा कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी, और इन्होंने बताया कि सकल नामांकन दर 100% करने का हमारा टारगेट है, हायर एजुकेशन कमीशन इन इंडिया की गठन की बात करी है, और एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, प्री प्राइमरी स्कूल की आपने चर्चा की मैम, 5+3+3+4 की, तो इसमें जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी गई है, ये सबसे बेहतरीन है। अभी तक ये सिस्टम में किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसी नहीं थी, थी भी तो वो सही तरीके से नहीं थी, इसमें ये सबसे बड़ी बात कर दी गई। और इसके साथ साथ जो अर्ली चाइल्ड हुड केयर एजुकेशन में जो हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती रहेंगी, या और जो लर्नेड उसमें टीचिंग की रहेंगी, तो उनको वेल ट्रेंड किया जाएगा, और उसके साथ साथ भी मेडिकल साइंस के या मेडिकल डॉक्टर की भी राय ली गई, जो बहुत सारे न्यूरो साइंस ने, न्यूरो साइंटिस्ट ने ऐसी बातें कही कि लगभग 80 से 85% बच्चे जो होते हैं उनका मस्तिष्क गेन करता है, वो मस्तिष्क उनका खाली रहता है। 80 से 85% हम लोग बड़ी तेजी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, वो 5 ईयर्स, अंडर 5 ईयर्स में ही उन बच्चों का दिमाग चूंकि कोरा कागज होता है, कोरा कागज की तरह होता है, इसलिए उनको जो चीज आप सिखाएंगे, हंसते बोलते पढ़ते खेलते सारी चीजें सीख लेंगे। इसलिए इस 5 वर्ष को हमारा सबसे फाउंडेशन जो मेन नींव है वो यही होना चाहिए, 5 ईयर्स पे, तो सबसे ज्यादा फोकस हमारा 5 ईयर्स पे होना चाहिए। और हम सभी लोग आशान्वित भी हैं कि ये शिक्षा नीति पूरी तरीके से सफल भी होगी। तो आपका मैम व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शानदार रहा, और इसके लिए मैं आपको बहुत ही बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ मैम। और आप नो डाउट कि आप अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और नेक्स्ट वक्ता के रूप में है मुख्य वक्ता हमारे डॉक्टर अमरनाथ पासवान सर, आपने तो पूरा निचोड़ ही अलग तरीके का कर दिया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, आपने शुरुआत ही कर दी कि बाबा अंबेडकर साहब ने कहा है कि जिसने शेरनी का दूध नहीं पिया वो दहा क्या दहाड़ेगा, तो शेरनी का दूध ये शिक्षा ही है, और शिक्षा हमको व्यक्तित्व का निर्माण करता है और हमारे चरित्र का निर्माण करता है, तो नो डाउट कि शिक्षा ही हमको व्यक्ति बनाता है। और मनुष्य और पशु में भी यही अंतर है कि आपके पास एजुकेशन है, कल्चर है, और कल्चर हमको पशु और मानव से अलग करता है, तो नो डाउट कि शिक्षा अगर रहेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और भारत सबसे युवा जनसंख्या वाला देश भी है, और आने वाले समय में सबसे नंबर 1 भी रहेगा, और यहाँ की शिक्षा प्रणाली जो है अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना सबसे बेहतरीन है, इसके ढांचे को केवल सुधारना है, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी कर देगी।
इसमें कहीं शक नहीं है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं किसी तरीके की दिक्कत आएगी, पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, मैं पूरा आशा और विश्वास रखता हूँ। और बाकी जो अमरनाथ सर ने कहा, हर पक्षों को कहा उन्होंने, टेक्नोलॉजी और उसकी बात करी, अपने वोकेशनल शिक्षा की बात की, मातृभाषा की बात की, मेडिकल साइंस की बात करिए, और कानून की लॉ की बात करी, सब पे चर्चा किया कि नहीं किस तरीके से हमारी प्री प्राइमरी स्कूल होता है, 6 से 9 3 होता है, +3 +4 की बात किया, सर्टिफिकेट डिप्लोमा और डिग्री की बात कर दी। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा रहा अमरनाथ सर का। सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर, आपने अपना समय दिया हमको और आपके ज्ञान से हम लोग लाभान्वित भी हुए हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगले वक्ता के रूप में हमारे मित्र और डॉक्टर महेंद्र आर मिश्र जी, जो कि KG सौम्या कॉलेज से हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। आपने उच्च शिक्षा की मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ हायर एजुकेशन पर चर्चा की, जो कि काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतरीन PPT आपने, जो आज के समय की डिमांड है, जो बच्चों के लिए हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करना है, उनकी एबिलिटी और उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको एजुकेशन दी जाए, तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी प्रस्तुति रखी और उसमें मेन जो अप्रोचेज है उसका की प्रिंसिपल्स की चर्चा की, HRD मिनिस्ट्री की चर्चा की कि उसमें किस तरीके से एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज की चर्चा करी आपने, और प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन की जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया, फ्रेगमेंटेड सिस्टम, लर्निंग आउटकम, आर्ट एंड साइंस का, और इन्फियॉरिटी किस तरीके से बच्चों में आता है, कि कैसे उससे हायर एजुकेशन में क्या क्या समस्याएं होती हैं डिग्री सेक्शन पे और हायर पे रिसर्च के लेवल पे, उन सब चीज़ों पे आपने फोकस किया। और बाकी ये चीज़ें हैं कि रिसर्च और डिग्री के साथ आने वाला समय बताएगा कि रिसर्च के साथ जो फोर सिस्टम की बात करी गई है, तो सर्टिफिकेट और डिप्लोमा और डिग्री और फिर रिसर्च के साथ डिग्री, तो इन सारी चीज़ों का यूटिलाइजेशन किस तरीके से हम कर पाएंगे वो तो आने वाला समय ही बता पाएगा सही तरीके से। हो सकता है कि कुछ इसमें भविष्य में कुछ अमेंडमेंट भी हो सकते हैं मे बी, लेकिन आपने NAC और ग्रांट कमीशन, नेशनल हायर एजुकेशन काउंसिल की भी चर्चा की सर, तो आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभार सर, बहुत ही अच्छा लगा, आपका बेहतरीन प्रस्तुति रही, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वक्ता हैं सर हमारे डॉक्टर गोमतेश्वर पाल सर, जो कि DLW में हैं। आपने शिक्षा नीति के बारे में बताया कि शिक्षा नीति, अभी तक बहुत सारी शिक्षा नीतियाँ बनी हुई हैं और ये शिक्षा नीति जो 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये अभी तक शिक्षा नीति से अलग है, क्योंकि अभी तक किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं हुआ था कि जिसमें कि आम जन की राय ली जाए, और आम जन में जिसमें 3 लाख पंचायत और 30 करोड़ भारतीय के विचारों की सहमति से ये लोक नीति बनी हुई है, ये पब्लिक पॉलिसी है जिससे में कि इन लोगों के मंतव्यों को जोड़ा गया है। और जो हमारा के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में 10 सदस्यीय टीम थी, जिसमें कि मंजुल भार्गव से लेके माधव मेनन से लेके बहुत सारे लोग एक्सपर्ट थे जो कनाडा में के हैं, वो उन लोगों ने अपने अपने राय प्रस्तुत किया, और ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से जिस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी को इन्होंने गढ़ा है, जिस सांचे में रखा है, तो आने वाला समय नो डाउट कि हमारे यूथ जनरेशन का ही होगा, और इससे कहीं ना कहीं हम बेनिफिट भी पाएंगे और हमें उम्मीद भी करते हैं। और आपने क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा की भी चर्चा किया, स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करी, तो मैं यहाँ इस बात पे भी सहमत हूँ, मातृभाषा की चर्चा पुरानी शिक्षा नीतियों में भी की गई है, आज भी करी गई है, जो मॉडल बना हुआ है उस मॉडल में कितना हम किस हद तक इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट कर पा रहे हैं। और एक चीज जो हमारा अनुभव है कि मातृभाषा में जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा सीखता है, समझता है, वैसे और किसी भी भाषा में नहीं सीख सकता, जो भी रीजनल, जिसका भी रीजनल लैंग्वेज है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे साउथ का हो, चाहे आपका मध्य प्रदेश का हो, किसी भी स्टेट का हो, भारत के किसी भी कोने का हो, व्यक्ति अगर उसकी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में अगर उन चीज़ों को शिक्षा दी जाए प्री प्राइमरी का, तो वो नो डाउट कि वो बेहतर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इंग्लिश मीडियम अगर हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो इंग्लिश मीडियम केवल हमको सीखने रटने की क्षमता प्रदान करता है, न कि सीखने की क्षमता प्रदान करता है। हम इन चीजों को क्या है से नहीं समझ पाते, हम ये चीज देखते हैं कि हमारा ये मैथ है तो मैथ को रट लो, इंग्लिश है रट लो, हिस्ट्री है रट लो, ज्योग्राफी है रट लो, लेकिन इन सब सारी चीजों से काम नहीं चलेगा। अब ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, नो डाउट कि इससे बहुत बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आने वाला समय रेशनल हो जाएगा,
और नेशनल लेवल से ही लोग इसकी तरीके से पढ़ाई भी करेंगे और नॉलेज प्लस स्किल बेस्ड होगा। रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बहुत सारे बनेंगे, ऑटोनॉमी रेगुलेशन होगा, तो इस तरीके की। और लिबरल एजुकेशन जो सबसे इसका पॉजिटिव पहलू है कि लिबरल एजुकेशन, कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होगा हम उन सब्जेक्ट्स का अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही बेहतरीन, हमको जहाँ तक हमारी अनुभव की बात है, ये लिबरल एजुकेशन करने से और लैंग्वेज करने से बहुत ही इसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस आशा के साथ ही मैं गुप्तेश्वर सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और आपने अपना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर और आभार। इसके साथ साथ ही मैं अपने महाविद्यालय परिवार की आयोजन समिति, डॉक्टर नीलम टंडन मैम, डॉक्टर दुर्गेश सर, डॉक्टर अंजू मैडम, डॉक्टर अशोक सर, डॉक्टर प्रणव सर, डॉक्टर हेरम सर, डॉक्टर अरुंधति मैडम, डॉक्टर शिवाकांत सर, डॉक्टर प्रदीप मिश्रा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और इसके साथ साथ ही हमारे जो विद्वजन जुड़े हुए हैं, प्रतिभागी शिक्षकगण, छात्र छात्राओं जो ऑनलाइन वेबिनार से जुड़े हुए हैं और पूरे धैर्य के साथ ये 3 घंटे का वेबिनार अटेंड किया, इसके लिए उनके धैर्य को भी मैं प्रणाम करता हूं और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि जो आपने हमारे साथ रह के इतना समय तक आपने कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। और इसके साथ ही हमारे तकनीकी सहयोगी जो है विशाल जी, इनका पूरा ही, तो हम लोग 2 दिन से ही इसमें लगातार जुड़े हुए हैं और इन्होंने बड़ा ही पूरी तरीके तन्मयता के साथ अपना सहयोग दिया है, इसके लिए आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू मनोज सर। थैंक यू सर जी, धन्यवाद अखिलेश सर। अब मैं अपने तरफ से अपने दोनों ही सहयोगियों डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह और डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह सर का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने पूरे सेमिनार के दौरान हमारे साथ सकारात्मक सहयोग को बनाए रखे। साथ ही तकनीकी सपोर्ट विशाल जी का काफी सराहनीय रहा, जो हमारे साथ 3 दिनों से लगातार जुड़े हुए थे। और मैं प्रिंसिपल मैम को विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा कि बिना मैम के प्रयासों के और प्रयत्न के, बिना निर्देशन के ये सेमिनार सफल नहीं हो सकता था, तो मैम लगातार निर्देशन दे रही थी। और अब तो लग रहा है कि प्रोग्राम हमारे समाप्ति की ओर है और मैं अपने प्रिंसिपल मैम से अनुरोध करता हूँ कि मैम आप कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें। जी और आप जी लोग मैम को बहुत बहुत बधाई सफल जी आयोजन के लिए, आप जी सभी जी को जी बहुत बहुत मैम ठीक, बहुत थैंक यू बहुत मैम, अच्छा वंडरफुल थैंक यू प्रेजेंटेशन। मैम, थैंक यू मैम।